पूछिए क्या पूछना है। सर, जावा स्क्रिप्ट जो भी कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं सर, कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जावा की तरह? जावा बिल्कुल अलग है, जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है, ठीक है। जावा से उसका कुछ लाइब्रेरी मेथड्स ये सब कोडिंग जो है कंट्रोल स्टेटमेंट तो C++ से ही मिलता है, जावा से ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि वो जावा की तरह है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था सर। सर एक जगह पे वेबसाइट में यूज किया हुआ था W3 स्कूल्स में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके साथ यूज किया हुआ था सर इनर एचटीएमएल। तो सर वो प्रॉपर्टी एज अ यूज हो रहा है वहां पे इनर एचटीएमएल? वहां पे उसका हाँ प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, एट्रीब्यूट्स यूज हो रहा है इनर एचटीएमएल के थ्रू। हम लोग किसी भी रिजल्ट को ठीक है वेब पेज पे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं अभी जस्ट उसका यूज करके बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्टर तुम लोग बोल रहे हैं कनेक्ट हो जाओ मोबाइल से और कोई ऑप्शन नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? सर डोंट देख रहे थे सर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देख रहे थे, राइट? ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक मैंने पर्पस बताया था आप लोग को कि एचटीएमएल का प्रॉपर्टी हो या सीएसएस का स्टाइल्स हो उसको डायनेमिकली हम लोग जावा में क्या कर सकते, जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, DOM यूज करके ही, ठीक है। मैं एक यहाँ पे मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, मैं एक यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम यहाँ पे क्या होगा, एक बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहेगा, और उसका रन टाइम, फॉन्ट नेम चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है मुझे, फॉन्ट कलर चेंज करना है। आप तो जाकर सीएसएस का स्टाइल यूज करते हो, सीएसएस में तो स्टैटिक वे में चेंज होता है ना, लेकिन डायनेमिकली मुझे चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। आप अपने फोल्डर में चलिए, हम लोग चलते हैं सीट डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे होगा यहाँ पे माई क्लास नाम का फोल्डर, माई क्लास सीमेज ऑनलाइन, और यहाँ पे आपका बैच है BCA सेकेंड ईयर, और मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ठीक है फॉन्ट डायलॉग HTML सेव, टाइटल में मैंने लिख दिया फॉन्ट डायलॉग,
जावास्क्रिप्ट का कोडिंग मैं यहाँ पे करूंगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम एक यहाँ पे इंटरफेस डिजाइन करते हैं। आप एक बॉक्स बना लो स्टाइल टैग में सीएसएस के थ्रू। मैंने सीएसएस के थ्रू यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, एक हम आईडी बना देते हैं यहाँ पे हैश बॉक्स स्टार्टिंग करली ब्रेस। हाइट मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, 200 पिक्सल। इसके बाद विड्थ दे दिया गया, ठीक है, 200 पिक्सल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हाइट विड्थ हो गया, अब ये यूज कर दिए बॉर्डर में यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है, 5 पिक्सल। और यहाँ पे रेड और यहाँ पे सॉलिड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे बॉडी टैग के अंदर। मैंने एक डिप टैग बनाया और इस डिप में मैंने यहाँ पे दे दिया आईडी बॉक्स, बॉक्स यूज कर लिया। और मैंने यहाँ पर लिखा है वेलकम टू DOM, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये सेंटर में शो करे, तो मुझे लिखना होगा टेक्स्ट अलाइन में मैंने यहां पर दे दिया सेंटर। फिर मैंने यहां पे यूज कर दिया लाइन हाइट में मैंने दे दिया 200 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है वो चीज ध्यान दीजिए, ठीक है। अब फॉन्ट साइज जो हम सिलेक्ट करेंगे वो कॉम्बो बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे, तो कॉम्बो बॉक्स में जो वैल्यू होगा 1 से लेकर 100 तक होगा। आप जानते हैं कि कॉम्बो बॉक्स में एलिमेंट को रखने के लिए हम लोग ऑप्शन टैग यूज करते हैं सिलेक्ट टैग के अंदर, राइट। तो क्या हम ऑप्शन टैग 100 टाइम्स यूज नहीं ना करेंगे? वहां पे किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे टेबल टैग के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले TR और एक TD दे दिया और इसमें मैंने लिख दिया सेलेक्ट फॉन्ट साइज को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे TD। अब इस एक और TD यहाँ पर मैंने लिखा। यहाँ पे आपको बनाना है कॉम्बो बॉक्स, तो आप जानते हैं कि सिलेक्ट हम लोग लिखते हैं और इस कॉम्बो बॉक्स का मैं आईडी दे देता हूं जो प्रोग्रामिंग में यूज करूंगा वैल्यू रिट्रीव करने के लिए। आईडी में मैंने यूज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, फॉन्ट साइज के लिए एफ साइज दे दिया, राइट। अब सिलेक्ट के अंदर मुझे ऑप्शन टैग के थ्रू 1, 2, 3 से लेकर 100 तक हम कोडिंग नहीं करेंगे। हम अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे, 1 से लेकर 100 तक ऐड कर देंगे। तो तुम जानते हो कि HTML में जहां पर भी जावास्क्रिप्ट का कोडिंग लिखते हैं वो हम किसके अंदर लिखते हैं? स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जहां जरूरी पड़ेगा आप जावास्क्रिप्ट के कोड को इम्बेड कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है,
स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को लिखने जा रहे हैं। मैंने लूप चलाया फॉर, मैंने यहाँ पे यहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया वेर आई, और आई में वैल्यू 1 डाल दिया, और मुझे 100 तक रखना है, आई लेस देन इक्वल टू 100 और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब इसमें मुझे ठीक है ऐड करना है, तो मुझे लिखना होगा डॉक्यूमेंट के साथ ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसी के अंदर मुझे लिखना होगा ऑप्शन टैग ऑप्शन। आप जानते हैं कि HTML टैग को हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यूज करते हैं। ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ऑप्शन में, अब यहाँ पे वैल्यू किस में है जो ऐड होगा, आई में ना, तो कॉन्केटनेट करना होगा मुझे। तो जावास्क्रिप्ट में कॉन्केटनेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हेलो नहीं अभी क्लास में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, क्या बता रहे थे, तो कॉन्केटनेट करेंगे यहाँ पे हम, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्लस, क्या यूज करते हैं प्लस, आई दे दिया। अब ऑप्शन टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्लोज हो गया। चलिए यही ये करना था। अब आप तो ध्यान दीजिए, तो ये कंप्लीट हो चुका है फॉन्ट साइज वाला कॉम्बो बॉक्स। अब फॉन्ट नेम सेलेक्ट करना है, तो फॉन्ट नेम तो स्ट्रिंग टाइप का है, वो तो मुझे ऐड करना होगा, क्या क्या फॉन्ट आप रखना चाहते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे कॉपी किया दूसरा टीआर को, कंट्रोल सी, और हम इस टीआर के बाहर अब आते हैं। दूसरे टीआर में मैंने देखिए कोडिंग किया टीआर टीडी सिलेक्ट फॉन्ट नेम। अब कुछ फॉन्ट नेम हम सिलेक्ट करेंगे कॉम्बो बॉक्स से, तो एफ नेम, फॉन्ट नेम का आईडी मैंने दे दिया इस कॉम्बो बॉक्स का एफ नेम, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन टैग में आ जाइए, ऑप्शन, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन, कुछ फॉन्ट का नाम, और इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉन्ट नेम हम लोग चेंज कर देते हैं, एरियल, कुरियर, एलिफेंट, कर्सिव, ठीक है। और इसके बाद मैंने सिलेक्ट को बंद कर दिया, सिलेक्ट टैग हमारा क्लोज हो चुका है। इसके बाद आप टीडी को क्लोज कर दीजिए, टीडी क्लोज हो गया, टीआर क्लोज कर दीजिए, टीआर क्लोज हो चुका। अब कलर, अब कलर हमको यूज करना है, तो कलर के लिए हम कॉम्बो बॉक्स नहीं लेना चाहते हैं, इतना कलर यूज करेंगे। आप ऑलरेडी कलर डायलॉग बॉक्स जानते हो, तो जो फॉन्ट कलर सिलेक्ट होगा वो कलर डायलॉग बॉक्स से होगा। तो यहां पर उसी तरह से टी आर टी डी सिलेक्ट कलर, फॉन्ट कलर, सिलेक्ट फॉन्ट कलर,
ठीक है, और दूसरा टीडी यहीं पे हम लोग यूज कर लिए, इनपुट टाइप कलर, और इसका आईडी हम दे दिए माई कलर, एफ कलर देते हैं, फॉन्ट कलर एफ कलर राइट, ये भी बन चुका। ठीक है, अब एक नीचे बटन होगा टीआर टीडी, और यहां पर एक बटन ले लिया जाए, इनपुट टाइप में दे दिया बटन, और यहां पे वैल्यू दे दिया, वैल्यू इक्वल टू चेंज चेंज, और एक फंक्शन जो बनाएंगे हम ऑन क्लिक पे कॉल कर लेंगे। ये फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू रिट्रीव करेंगे ना, तो ऑन क्लिक मान लो कि एक फंक्शन मैंने दे दिया, चेंज नाम का एक फंक्शन बनाया है, चेंज नाम का। चलिए अब आ जाइए ऊपर, इंटरफेस हमारा रेडी है। अगर मैं इसको रन कराऊं, ये प्रोग्राम है हमारा, यहाँ पे BCA PPU second JavaScript, यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग, तब तक इसको स्टार्ट होने दीजिए, और हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोडिंग में अब चलते हैं। फंक्शन एक बनाते हैं हम, आप जानते हैं फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन का नाम मैंने चेंज दे दिया, और वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वैर कीवर्ड के द्वारा, यहाँ एक ले लो fs फॉन्ट साइज, fnm ले लो, और fc ले लो कलर, तीन वेरिएबल का काम है। सबसे पहले फॉन्ट साइज fs इक्वल टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वहां पे आईडी क्या दिए थे, आईडी मैंने दिया था f कलर, नहीं f साइज, f साइज मैंने दिया था, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है राइट, और अब हम लोग क्या करते हैं, fs हो गया, फिर क्या है fnm, fnm इक्वल टू वही चीज, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एफ साइज के बाद मैंने यहाँ पे उसका एफ नेम दिया था, आईडी एफ नेम दे दिया। अब है कलर के लिए, एफ सी इक्वल टू सर डबल एफ हो गया सर, सर डबल एफ हो गया सर, कहाँ पे किस लाइन में, एफ नेम कंट्रोल भी, और यहां पे एफ कलर है, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव कर लिए, अब डायनेमिकली हम लोग को इंप्लीमेंट करना है जो बॉक्स बनाए हैं, वेरी सिंपल, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसका बॉक्स था ना, बॉक्स याद करो, HTML के अगर एट्रीब्यूट को डायनेमिकली यूज करना चाहते हो तो उसमें स्टाइल कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, CSS के प्रॉपर्टी को अगर तुम डायनेमिकली यूज करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में तो उसमें स्टाइल यूज करेंगे ना, ठीक है। इसके आगे जब हम वीडियो प्लेलिस्ट बनाएंगे तो वीडियो टैग का जो SRC होता है, ठीक है, उसको डायनेमिकली चेंज होना चाहिए। अगर एक कलेक्शन बनाए हो, एरे कलेक्शन बनाए हो, उसमें 20 सॉन्ग रखे हो,
एरे के थ्रू, तो हर सॉन्ग का नाम होगा। तो डायनेमिकली हम जो वीडियो टैग में एसआरसी देते हैं उसका डायनेमिकली वहां पर सॉन्ग नेम चेंज होना चाहिए ना। तो आप एचटीएमएल के एट्रीब्यूट को भी डायनेमिकली आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीएसएस के प्रॉपर्टी में मैंने क्या बात कर रहे हो जी पीछे में, रीअपियर एग्जाम दिया था कि नहीं लगा था रीअपियर, क्यों लगा था मैथ में, बाकी में सही था तो पढ़ा रहे हैं तो बात क्यों कर रहे हो, बैठो। नहीं समझना है तो चुपचाप बैठो, बात करोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगा। गेट एलिमेंट बाई आई डी बॉक्स बॉक्स डॉट अस्टाइल, ठीक है, अस्टाइल अस्टाइल डॉट फॉन्ट साइज होता है ना, जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर्टी को, सीएसएस के प्रॉपर्टी को जावास्क्रिप्ट में यूज करने का एक अलग तरीका होता है, लिखने का एक अलग प्रॉपर्टी होता है जो जावा स्टाइल होता है, न कि जावास्क्रिप्ट, ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट पूरा जावा से मैच करेगा, दोनों अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। स्टाइल डॉट, ठीक है, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज ना, तो फॉन्ट एस कैपिटल होगा, ठीक है। जावा में भी लिखने का यही रूल है, जो भी उसका एट्रीब्यूट होगा या मेथड्स होगा, फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल और सबसिक्वेंट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज किस में हम लोग रखे हैं, किस वेरिएबल में रिट्रीव किए हैं, एफएस में, राइट। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फॉन्ट साइज के बाद मुझे फॉन्ट नेम, तो सीएसएस में क्या फॉन्ट नेम होता था कि फॉन्ट फैमिली होता था, फॉन्ट फैमिली लिखेंगे यहां पे एफ कैपिटल, चलो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट नेम आपने रिट्रीव किया है एफ ए नेम में, राइट। आगे बढ़ो, कंट्रोल भी स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, ये क्या था, एफ कलर, फॉरग्राउंड कलर के लिए क्या होता था, केवल कलर होता था, तो केवल एक वर्ड का है तो इसमें अपर लोअर तो होगा ही नहीं, और किसमें रिट्रीव किए हो, एफसी वेरिएबल में, बन गया प्रोग्राम। अब इसको आप रन कराइए, ठीक है। आप यहां पे देखो जो लिखा हुआ है वो वेलकम टू डीओएम, फॉन्ट साइज मैंने इस कॉम्बो बॉक्स से सिलेक्ट किया, ठीक है। फॉन्ट साइज मैंने, मान लो कि मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे 35, राइट। टाइम्स न्यू रोमन में मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया एरियल, फॉन्ट कलर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, एक कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया, चेंज, डज नॉट वर्क, चेंज पे कॉल किए है ना, थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे, कंसोल पे चेंज इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन में प्रॉब्लम है, फंक्शन हमारा चेंज नाम से है। अब आइए देखिए वहां पे इस नाम से कॉल किया गया है कि नहीं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन ऑन क्लिक इक्वल टू चेंज, TDTR टेबल इनपुट टाइप इक्वल टू वैल्यू ऑन क्लिक इक्वल टू चेंज,
यहाँ तो सही है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फंक्शन को क्लोज किया, वो तो वेरिएबल है ना जी, वेरिएबल डबल कोट में कभी थोड़ी होता है। चेंज इज नॉट डिफाइंड, 38 लाइन में आते हैं हम लोग, 38 में आप देखिए, अच्छा क्लोजिंग नहीं है, इसका क्लोजिंग कहाँ किए हो, सेलेक्ट का, अच्छा स्क्रिप्ट लिखने के बाद, ठीक है फॉर लूप मैंने यहाँ पर दे दिया राइट, ठीक है, और टीडी स्टार्ट किया बंद, 38 में कह रहा है ना जी, सेलेक्ट को क्लोज किया, फॉरवर्ड स्लैश ऑप्शन होता वहां पे, हम वहां पे ऑप्शन को क्लोज नहीं किए थे, ऑप्शन लिख के थे, हां वेरी गुड, यहां पे ये देख, ठीक है कंट्रोल एस, फिर से रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, अब कोई एरर नहीं है, एक बार मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं 22, ठीक है जो भी हो, जैसे ही मतलब आप रेक्टिफाई किया या हट गया, चेंज पर क्लिक करने पर यहां खाली कर, रिफ्रेश एरर नहीं है, वो फिर से रिफ्रेश हो गया ना, हो गया, फिर आप फॉन्ट साइज जरा बढ़ाओ, मैंने यहाँ पे 38 किया, इस बार एक कुरियर था मैंने इसको एलिफेंट किया, और यहां से मैंने कलर जो सिलेक्ट किया एक कलर ले लिया, ठीक है, और चेंज हो रहा है, चेंज yes, yes, ठीक है, फॉन्ट साइज में भी चेंज हो रहा है कि नहीं उसको देख रहे हैं, में भी नहीं चेंज हो रहा है, 52 नोट, फॉन्ट साइज न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपने डॉक्यूमेंट उसको पार्स इंट के द्वारा आपने कन्वर्ट नहीं किया है, फॉन्ट साइज न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो ये यहाँ पर एफएस जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है पार्स इंट लिखना होगा आपको राइट, पार्स इंट और ए ब्रैकेट, अब ये सही हुआ, कंट्रोल एस, अब रन कराया जाए, रिफ्रेश, अब मैंने फॉन्ट नेम सेलेक्ट किया, ठीक है 32, और यहां से जो भी फॉन्ट नेम देना है, ठीक है मैंने ये सेलेक्ट किया, कलर जो भी सिलेक्ट करना है आपको, कलर कलर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है चेंज, क्यों नहीं वर्क कर रहा है जी, फॉन्ट साइज यहाँ पे आईडी हम लोग क्या दिए हैं, देखो कहीं सिलेक्ट आईडी एफ साइज दिए हैं राइट, ठीक है यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शन टैग में लिखा, शो भी किया, ठीक है स्क्रिप्ट सिलेक्ट टीडी टीआर, आईडी हम लोग दिए हैं एफ साइज, एफ एस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज,
ठीक है, मैंने BSCIT में बताया है, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे एरर एक्चुअली में यहाँ पे पता चल ही नहीं रहा है। BSCIT बैच में देखते हैं, उस फोल्डर में जाते हैं। अब चलो BSCIT सेकंड PPU जावास्क्रिप्ट फॉन्ट डायलॉग। ठीक है, मैंने यहां से ये दूसरा वही प्रोग्राम है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया 33। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया, कलर डायलॉग बॉक्स में मैंने सेलेक्ट किया ये। ठीक है, चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं। और रहा सोर्स कोड में अंतर, तो सोर्स कोड में कोई देख लेते हैं एक बार। बॉक्स अलग, इसका सोर्स कोड अलग हम लिखे हैं, एक्सटर्नल फाइल के थ्रू बताया था। आप लोग को एक्सटर्नल बताए हैं? ऑन क्लिक। एक अच्छा ऐसा हो सकता है, एक मिनट, हम लोग सोर्स कोड पे आते हैं अपना। अगर मैंने इस चीज को, इससे तो कुछ मतलब, कंट्रोल एस रिफ्रेश, हेलो सर। हाँ बोलो सर। डिव टैग में सर एंगुलर ब्रैकेट सर छूटा हुआ है। कहाँ छूटा हुआ है? डिव टैग में सर, डिव यहाँ सर 39 लाइन में सर, 29 सर, यहाँ कहाँ छूटा हुआ है? 29 में सर, इधर ए वेलकम टू DOM है ना सर, शुरुआत में सर इधर। हाँ यहाँ सर आईडी इक्वल टू बॉक्स, आईडी इक्वल टू बॉक्स तो देवे किए हैं यहाँ सर, तो बंद नहीं ना डीप सर, तो डीव यहाँ पे ना क्लोज होगा, उसके अंदर मैंने दिया है। यस सर, ओ ठीक है सर। हाँ तो हम इसके सोर्स कोड को देखना चाह रहे थे। यहाँ पर एक जो एक्सटर्नल फाइल देखो तो कौन सा है, माई फाइल। यस सर, माई फाइल। इसको ओपन कर लिया जाए, नोटपैड प्लस प्लस। कोडिंग वही है, FS। वही तो है,
फॉन्ट साइज FS। एक बार अपने प्रोग्राम में देखो कि यहाँ वैल्यू हमारा रिट्रीव हो रहा है कि नहीं, तो इसको यहीं पे चेक करो। ठीक है, पार्स इन इस पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो पार्स इन कोई देना जरूरी नहीं है, फिर भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि वैल्यू हमारा प्रिंट कर रहा है कि नहीं, मैं वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं अलर्ट में, इसके वैल्यू को, FS के वैल्यू को। हम जानना चाहते हैं कि वैल्यू हमारा रिट्रीव हो रहा है कि नहीं। अगर वैल्यू रिट्रीव होकर FS में आ गया तो यहाँ पे फॉन्ट साइज काम करना चाहिए। ठीक है, स्टाइल ये सब का, स्पेलिंग बॉक्स ये सब कुछ सब सही है। कंट्रोल S, रिफ्रेश किया जाए। ट्वेंटी तो आ रहा है। फॉन्ट साइज इक्वल टू एफ, ऑप्शन डॉक्यूमेंट डॉट राइट। टेबल बॉडी अच्छा, देखो ध्यान, यहाँ पे फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी अचानक दिमाग में आया, जब डॉक टाइप यूज करोगे तो वर्क नहीं करेगा। ये जो डॉक टाइप बाय डिफॉल्ट आया है ना, मैंने तो नहीं लिखा था। ठीक है, डॉक टाइप मुझे अचानक ध्यान आया, कहीं एरर नहीं है आपका। ये डॉक टाइप जब ये HTML5 को डिस्क्राइब करता है ना, ठीक है, अगर देखो जैसे ही इसको हटा देंगे रन कर जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम में कहीं एरर है ही नहीं, तो कहां से एरर फाइंड आउट होगा। जब एरर रहे तब ना, अब तुम रन कराओ अब वर्क करेगा। रिफ्रेश, जो भी फॉन्ट साइज देना है 32, ठीक है, एलिफेंट कलर, जो भी कलर सिलेक्ट करना है आप कलर सिलेक्ट करो। ओके, चेंज 32 हो गया, चेंज। यही है फोर। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं था, फॉन्ट साइज नहीं वर्क करता है डॉक टाइप पे, तो ये चीज था। ठीक है, तो ये हमारा DOM, मतलब
DOM प्रॉपर्टी अब जहां पर मुझे लगेगा यूज करना होगा, मुझे आगे PHP में या कहीं पर भी आपको वेब पेज बनाते समय डायनेमिकली किसी भी स्टाइल्स को डायनेमिकली अगर तुम एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है DOM। ठीक है, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मतलब सर इनर HTML कैसे वर्क करता है, मैं बता देता हूं, बस केवल लिखना है उस प्रॉपर्टी है, देखिए उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोई भी प्रोग्राम इसमें बनाए होंगे, आपका एक प्रोग्राम होगा, यहीं पे हम लोग चलते हैं अपने फोल्डर में चलिए और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं BSCIT BCA सेकेंड ईयर। ठीक है, JS और इसमें जैसे सैलरी स्लिप वाला रिजल्ट को आपने कहाँ देख इसमें रिप्रेजेंट किया था, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में, ठीक है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेब पेज पे आपने लिखा है। ठीक है, अब देखो मैं एक यहाँ पर नीचे में बॉक्स बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा ये तो GUI बेस्ड नहीं है, ये GUI बेस्ड नहीं है, एक GUI बेस्ड कौन सा फॉर्म आप लोग को बताए थे, मार्कशीट था, मार्कशीट को ओपन किया। ठीक है, और रिजल्ट को हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में देख रहे थे, राइट। अब देखिए मैं एक बॉक्स बनाता हूं ऊपर में, बॉक्स हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज किया, स्टाइल और इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज स्टाइल टैग में हम लोग यहाँ पे वही चीज बॉक्स बना लो, IDE बॉक्स हम यहाँ पे हाइट दे दिए, ठीक है 400 पिक्सल और विड्थ दे दिया, ठीक है 500 पिक्सल और कल ये दे दिया बॉर्डर में मैंने दे दिया यहाँ पे 5 पिक्सल बॉर्डर है, ठीक है रेड है सॉलिड है। अब आप देखिए यहाँ पे, अब जो आप वेब पेज पे प्रिंट कराए थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये लिखे हो ना यहाँ, अब मैंने इसको जावास्क्रिप्ट अकॉर्डिंग है सी लाइक स्टेटमेंट होता है कमेंट, अब इसको देखो हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या है आईडी उसका बॉक्स का, बॉक्स डॉट इनर HTML, इनर HTML में HTML कैपिटल लिखते हैं, इनर HTML डॉट वैल्यू होता है कि वैल्यू डॉट इनर HTML होता है, डॉट अब यहां पर मैंने क्या लिख दिया चेक कर लेते हैं हम तुरंत, आर एस ठीक है उसको चेक कर लेते हैं, या आप देखो देख लो एक बार वो PDF में, तुम कोमल क्या पूछ रही थी इनर HTML कहीं देखी थी, यस सर क्या था इनर HTML
कि पहले वैल्यू था या डायरेक्ट इनर एचटीएमएल था? सर डायरेक्ट इनर एचटीएमएल है सर, डॉट के साथ। किसके साथ? बॉक्स के साथ। डॉट के साथ सर, वो ठीक है सर, जैसे आप दिए वैसे ही। चलिए, ये इनर एचटीएमएल है। जानते हो अभी क्या करेगा? आरएस वाला जो रिजल्ट है वो कहां देगा? बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं। कंट्रोल एस, रन कराइए, रन। अभी यहां पे जो भी वैल्यू आप इंटर करोगे, रोल नंबर 100 दिया, ठीक है, कोर्स नेम जो भी है मैंने सिलेक्ट किया, एचटीएमएल में मार्क्स दिया, कैलकुलेट बटन पे जैसे ही क्लिक किया टोटल मार्क्स आ गया, परसेंटेज मार्क्स और डी मार्क। एक चीज और, फिर से मुझे डेटा इंटर करना होगा, उस डिप टैग को हम लोग ने यूज नहीं किया। डिप टैग जो आपने बॉक्स जो बनाया, उस बॉक्स को डिप के थ्रू आपने रिप्रेजेंट नहीं किया। तो एचटीएमएल के कोडिंग पे चलो, ये रहा रिजल्ट, मुझे नीचे में चाहिए तो मैं टेबल टैग के, ठीक है, या हाँ जो भी हो टेबल टैग के बाहर भी लिख सकते हैं। फॉर्म के अंदर मैंने दे दिया यहाँ पे डिप, और आईडी क्या था, आईडी क्या था, बॉक्स, और डिप को आप क्लोज कर दो, डिप को आप क्लोज कर दो, कंट्रोल एस रन कराया जाए, रिफ्रेश आ गया बॉक्स। इसी बॉक्स में रिजल्ट शो करेगा ना, तो रोल नंबर, सब होगा, हर चीज पॉसिबल है, जावास्क्रिप्ट का इतना मोटा बुक आता है, जावास्क्रिप्ट पे देखो जॉब आया है, उतना पढ़ो, उतना हम थोड़ी पढ़ाएंगे, हम तो गाइड, आपको मेहनत करना, सब हम तो जानते हैं स्टूडेंट मेहनत करता है, टीचर तो गाइडलाइंस करेंगे कि हाँ आप अब इतना किया, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगता है कि नहीं, जो नीरज सर पढ़ा दिए, अमित शुक्ला सर पढ़ा दिए, रवि सोनी सर पढ़ा दिए, वही काफी है। स्टूडेंट जो स्टूडेंट मेहनत करेगा वो आगे, हम तो बस गाइडलाइंस कर रहे हैं कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ये करो, आप मेहनत कीजिए जितना आप उसमें डीप में जा सकते हैं। अब अगर हम पढ़ाते रहे तो 6 महीना तक जावास्क्रिप्ट पढ़ाते रहेंगे तो सिलेबस कैसे खत्म होगा? आप उसको पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। जॉब ओपनिंग्स में आया है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ठीक है, पहले इसको दिखा दें। हाँ, तो कैलकुलेट करो जेनरेट मार्कशीट, आ गया, ठीक है, इसी बॉक्स में आया। तो इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का काम वही है, किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे अगर तुम प्रिंट कराना चाहते हो तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इनर एचटीएमएल यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम एरे स्टार्ट करेंगे और वीडियो प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग गाना को म्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे, नेक्स्ट गाना को प्ले करेंगे, प्रीवियस गाना को प्ले करेंगे, ठीक है, साउंड बढ़ाएंगे, साउंड घटाएंगे, ये सब काम हम लोग करेंगे। चलिए इस, ठीक है, हेलो, हाँ हाँ बोलिए, ठीक है मैम।